नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका सबका स्वागत है। आज का वीडियो ईजीआर वार क्लिनिक के बारे में आपको इसका पहले टेस्टिंग करवाता हूँ। ये अल्टरनेटर का वैक्यूम पंप है, पंप का पाइप है ये। इसको ईजीआर वाल को लगाएंगे तो ये इसका ईजीआर वाल का डायफ्राम अंदर के सेट में खींचता है। खींचने के बाद इसका अंदर का जो वाल है ये वाल ओपन हो जाता है। मगर ये देखो, इसका वाल पूरा तरह से इसमें फंसा हुआ है। इसको क्लिनिक करके अपन इसको इसका वाल ओपन होता है कि नहीं देखने वाले इस वीडियो में। ये देखो, बिल्कुल भी ये वर्किंग नहीं कर रहा है। या अल्टरनेटर का जो वैक्यूम पंप है अंदर के साइड हवा खींचता है तो ये डायफ्राम के बदले में इसका वाल ओपन हो जाता है। ये मैंने अभी इसको इसका सेंसर बाहर निकाला हुआ है, क्योंकि क्लिनिक करने के टाइम सेंसर को फॉल्ट होने का चांसेस रहता है, इसलिए मैंने ये सेंसर इसका बाजू में किया हुआ है। तो इसका क्लीनिंग करने के लिए दो स्टेप है, दो स्टेप आपको दिखाने वाला हूँ। पहले इसका ईजीआर वार क्लीनर स्प्रे मार्केट में अवेलेबल है, ये ईजीआर वार क्लीनर बोल के इसका मैंने ये स्प्रे मार्केट से मंगा हुआ है। ऑटोमेट कंपनी का ये स्प्रे है। इसका कार्बन वगैरह इससे बहुत ही आसान तरह से इसका निकल जाता है। और दूसरा स्टेप जो है, इसको अपन पेट्रोल से भी क्लीन कर सकते हैं, मगर इसको प्रोसीजर आप देख लो स्टेप बाय स्टेप। इसका पहले क्या करने का, इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से इसका स्प्रे को इसमें इसके गैलरी को अंदर के साइड में मार लेना है। ये डायफ्राम का इसमें पीछे के साइड में दो तीन होल रहता है, उसको भी अपन इसके अंदर भी स्प्रे मार के इसका कार्बन वगैरह निकलने की कोशिश करेंगे। पूरे तरह से इसको स्प्रे से अपने को भिगो लेना है और इसको थोड़ा सा स्मूथली, जो टूथपेस्ट का जो ब्रश रहता है स्मूथली, इसको मेटल वगैरह का पट्टी वगैरह से कई लोग इसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं, मगर इसको मेटल का पट्टी वगैरह से बिल्कुल भी क्लीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाल का जो सीट रहता है वहाँ इसका मेटल का पार्ट निकल जाएगा घिस के, तो इसमें इसका फेस ख़राब हो जाता है वाल का। इसलिए इसको स्मूथली अपना स्मूथली जो टूथपेस्ट रहता है इसे अपन इसको क्लीन करने वाले। ये पूरा इसका अंदर के साइड में पूरा इसका कार्बन फंसा हुआ रहता है, पूरे तरह से इसको ये देखो, पूरे तरह से इसका स्प्रे मार के इसका कार्बन अपन निकालने वाले। ये देखो, ये पूरा तरह से इसका कार्बन निकल रहा है। इसको थोड़े देर बाद स्प्रे मारने के बाद थोड़ा सा इसको भिगो लेना है। दूसरा जो स्टेप है, इसका अपन इसको पेट्रोल से भी क्लीन करने वाले। सिंपल सा प्रोसीजर रहता है, मगर इसको करीबन 10-20 हज़ार किलोमीटर के बाद इसका क्लीनिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि ये कार्बन के वजह से इसमें चोकअप हो जाता है। प्रॉब्लम आपको मैंने दिखाया हुआ है, इसको स्टेप बाय स्टेप इसका पूरे तरह से इसको 20-25 मिनट का काम रहता है, पूरे तरह से इसको क्लीन कर लेना है। और इसका अंदर के गैलरी का पूरा ही कार्बन इसमें निकल लेना है, बाकी कोई भी इसका लिक्विड से ये ईजीआर वाल क्लीन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी ये दूसरा स्टेप अपन इसको पेट्रोल से पहले स्टेप से स्प्रे से इसको क्लीन किया हुआ है, दूसरा स्टेप इसको बाद में पेट्रोल से क्लीन करेंगे। ये ईजीआर वाल का जो स्प्रे है ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, अमेजोन से भी अपन
मंगा सकते। ये दूसरा अभी देखो, इसका मैंने पेट्रोल लिया हुआ है, ये पूरे तरह से इसको अपन क्लीन करने वाले, क्योंकि कार्बन कार्बन के वजह से ये वाल चोकअप हो जाता है। और ये इसका कार का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसे ये टर्बो ऑपरेट हो जाता है, इस वाल से ही टर्बो का काम अच्छे तरह से चलता है। ये वाल चोकअप हो गया तो टर्बो बिल्कुल भी कार का कोई भी व्हीकल का टर्बो बिल्कुल काम नहीं करता है। इसका थोड़ा प्राइस इजर वाल का महंगा भी रहता है, इसलिए इसको एक आसान तरीके से कम खर्चे में अपन इसको इसको वापिस चला सकते हैं। इसका जो वाल का जो फेस रहता है जल्दी ख़राब नहीं हो जाता, इसका रिपेयरिंग वगैरह चांसेस इसका बिल्कुल नहीं रहता। ये देखो पूरा इसका अंदर वैक्यूम का जो पाइप है, इसका पूरा तरह से इसके अंदर के साइड में ये डायफ्राम के आगे इसका एक स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, क्योंकि डायफ्राम को ये ऑफ पोजीशन में, वाल को ऑफ पोजीशन में रखता है। जब भी वैक्यूम इसमें अंदर से खींचना चालू हो जाता है तो डायफ्राम ऊपर के साइड में वर्किंग करता है और डायफ्राम को ही ऊपर के आगे के साइड में ये वाल जॉइंट रहता है। ये पूरे तरह से इसको इसका गैलरी थोड़ा सा बारकाई से इसको पूरे तरह से इसको पेट्रोल से धो लिया मैंने अभी। इसको थोड़ा 5-10 मिनट इसको पेट्रोल से ही भिगो में भिगा के रखना, क्योंकि इसका अंदर के साइड का जो कार्बन वगैरह है पूरे तरह से निकल जाता है। बाद में भी इसको स्प्रे से इसको ये देखो पूरा तरह से इसका कार्बन निकल जाता है। अपन स्प्रे से भी पूरा तरह से धो सकते हैं, वैसी कोई बात नहीं, मगर स्प्रे ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने पेट्रोल से भी धोया। ये देखो पूरे तरह से अभी ये क्लीन हो चुका है। ये देखो इसका सीट वगैरह, ये वाल का सीट वगैरह, इसमें इसको टेस्टिंग के लिए आगे के साइड में पेट्रोल डालूंगे तो अंदर के साइड में बिल्कुल भी पेट्रोल आना नहीं चाहिए, क्योंकि वाल का सीट ख़राब हो जाएगा तो ये वैक्यूम इसमें से पास हो जाता है। इसका अभी टेस्टिंग करेंगे। ये देखो इसका मैंने अभी टेस्टिंग के लिए इसका वैक्यूम पंप की ज़रूरत करती है, इसलिए मैं गाड़ी में इसको आपको टेस्टिंग करवा रहा हूँ, तो आपको भी समझ में आए कि इसका वर्किंग कैसे होता है। ये देखो ये अंदर के साइड में वैक्यूम इसमें खींचना चालू हो गया तो ये वाल ओपन हो जाता है। ये देखो ये इस तरह से इसका वर्किंग रहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।